हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमारे पास ये हीरो होंडा अचीवर बाइक आए हैं और इसमें हम लोग नया ब्लॉग डाल रहे हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम लोग रिंग को लगा लिए हैं, फाइनली हम लोग रिंग लगा लिए हैं। अभी हम लोग ब्लॉग को बैठे रहे और इसका ब्लॉग लगाने का और टाइमिंग का डिटेल सबको हम बताते रहेंगे। तो गाइस, ब्लॉग सेटिंग करने के टाइम सोच समझ के सेटिंग करना है और इसमें थोड़ा जल्दबाजी ना करने से ही अच्छा है, क्योंकि जल्दबाजी करने से आपका गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए इसको रिंग लगाने के टाइम आप सोच समझ के लगाइए और सही से इसको बैठा लीजिए, तो 100% आपका गाड़ी का जो माइलेज है और लॉन्गजिविटी है ये अच्छी से जाएगा और लॉन्गजिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो गाइस, पहले हम ब्लॉक पिस्टन को सेटिंग कर लेंगे और इसका जो रिंग है इसको अच्छी तरह से बैठाना है और सोच समझ के बैठाना है। और रिंग लगाने का जो तरीका है वो अच्छे से आपको समझ लेना चाहिए। तो गाइस देखिए, फाइनली हमारा ब्लॉग जो है ये पूरी तरह से सेटिंग हो चुके हैं और अभी हम लोग इसका जो हेड है इसको अभी सेटिंग करेंगे। और हमारा पिस्टन जो है ये हम लोग अभी टॉप में रखे हैं, देखिए इसको फाइनली हमने टॉप में लगा दिया, देखिए। और इसको थोड़ा साफ़ सुथरा कर लेते हैं अच्छे से। ये टाइमिंग गार्ड है, इसको अच्छी तरह से बैठाना है आपको। और ये हमारा गैस्किट है, तो गैस्किट में हम लोग इसको थोड़ा ग्रीसिंग कर लेंगे हम अच्छी तरह से। इसमें गम नहीं लगाएंगे हम लोग, इसमें हम लोग ग्रीसिंग करेंगे अच्छी तरह से, इसे ग्रीसिंग कर लेंगे। तो गाइस, फाइनली हमारा हेड गैस्किट बैठ चुके हैं, देखिए। और इस गाड़ी में हम लोग वाल्व चेंज नहीं किया है, क्योंकि इसका जो वाल्व है ये बिल्कुल सही है और इसका सिर्फ हम लोग ब्लॉक चेंज कर रहे हैं। और ये हमारा, हम लोग वाल्व को नहीं ओपन किया है, अभी हम लोग हेड को सेटिंग कर रहे हैं, देखिए। तो फाइनली गाइस, हमारा हेड भी सेटिंग हो चुका है, देखिए। ये टाइमिंग चेन को हम लोग बांध के रखे थे, क्योंकि नीचे अगर गिर जाएगा तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। हम लोग अभी मोबिल लाइन को चेक कर रहे हैं, अगर इसमें कचरा आ जाएगा तो हेड में मोबिल नहीं पहुंचेगा तो और मुसीबत दूसरा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा इसको चेक कर लिया अच्छी तरह से। तो गाइस, हम लोग अभी इसका जो 12 नंबर के जो 4 बोल्ट होता है इसको फाइनली हम लोग टाइट कर लेंगे। और ये हेड का मेन नट होता है, इसको अच्छी तरह से टाइट करना चाहिए, इसको सही से टाइट कर दीजिए। और इसमें दो 10 नंबर की बोल्ट रहता है, इसको भी फाइनली हम लोग टाइट कर देंगे अभी। तो गाइस, फाइनली हम लोग पिस्टन को टॉप में लगा चुके हैं और उसके बाद हमको ये टाइमिंग दाता को सेटिंग करना है, देखिए। और गाइस देखिए, इसमें दो रोटेशन दिखाई दे रहा है आपको, इसको हेड के बराबर में रखना है। इस रोटेशन का आपको हेड के बराबर में करना है इसको, और इसको स्ट्रेट रखना है। गाइस देखिए, हमारा ये जो रोटेशन हमने अभी दिखाया आपको टाइमिंग दाता में, वो हमारा हेड के बराबर। और ये टाइमिंग चेन को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, इसको टेंशनर लगाने से ये टाइट हो जाएगा। तो गाइस, हेड के बराबर आपको रोटेशन जो है दिखाई दे रहा है आपको, स्ट्रेट जो दो दाग दिखाई दे रहा है आपको, इसको आपको हेड के बराबर रखना है, देखिए। और उसके बाद ये 8 नंबर की जो बोल्ट है इसको हम लोग टाइट कर दे, फाइनली टाइट कर देते हैं, देखिए। इसको घुमा कर थोड़ा टाइट कर देते हैं। और ऑलरेडी गाइस, हम लोग इसका जो टेंशनर है इसको भी लगा चुके हैं, ऑलरेडी हमारा जो टाइमिंग चेन है बिल्कुल टाइट हो चुका है, देखिए। अभी हम लोग इसमें इसका हेड का जो कैप है इसको लगा रहे हैं, देखिए।
और हमारा हेड का कैप भी सेटिंग हो चुका है देखिए। और ये इसमें दो 10 नंबर की बोल्ट रहता है, इसको हम लोग अभी टाइट कर देंगे। तो फाइनली गाइस हमारा जो ब्लॉक है ये अच्छी तरीके से सेटिंग हो चुके हैं और इसका जो टाइमिंग है सही तरीके से इसको भी हम लोग सेटिंग कर चुके हैं। तो गाइस ऐसी और अच्छा वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होंगे, तो मिलता है नेक्स्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।